हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि मैं ये मेकअप किड्स मेकअप करने जा रही हूँ, जो कि आप अपनी ब्यूटीफुल डॉटर्स के ऊपर या किसी के ऊपर भी आप कर सकते हैं, जो बहुत कम प्रोडक्ट में आपको मेकअप करना बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बालों को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि कोई प्रोडक्ट हेयर्स पर ना लगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम किड्स मेकअप करने जा रहे हैं, तो बहुत कम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने डॉटर की स्किन पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, जो कि ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है और बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही सेफ़ है। तो आप सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र अपने बच्चे की स्किन पे लगा सकते हैं, जब भी आप किड्स मेकअप करें, और इसको आप डेली में भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ड्राई स्किन पर काम करता है, सेंसिटिव स्किन पर वर्क करता है अपना। इस तरीके से मॉइस्चराइजिंग करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन, जो कि मैं बहुत कम क्वान्टिटी पर फेस पर लगाऊँगी। फ्रेंड्स, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, बहुत सेफ़ है मेरी बच्ची के लिए, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए सेफ़ प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको पता है, बच्चे जब भी हम लोग किसी शादी में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ होता है वो बच्चों के अंदर होता है, हम बड़ों से ज़्यादा, कि हमें रेडी होना है और बहुत अच्छा सा लुक चाहते हैं बच्चे अपना। तो अगर आप भी अच्छे से अपने बच्चों का मेकअप करेंगे, तो बहुत खुश होकर सबसे प्रिटी और सबसे अलग दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको फाउंडेशन को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दें। बहुत ज़्यादा मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, उसी फाउंडेशन को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप अपने बच्चों की स्किन पे काम करें, बहुत अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करें। फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप मेरा ब्लशर है, जो कि मैं के ब्यूटी ब्रांड का क्रीम ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, पिंकी टोन देने के लिए अपनी डॉटर के फेस पर। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से आप भी किसी भी ब्लशर का यूज़ कर सकते हैं। मैं पाउडर ब्लश का यूज़ नहीं करूँगी, नेचुरल सा ब्लश कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्रीम ब्लशर यूज़ किया। अगर आपके पास क्रीम ब्लशर ना हो, तो आप लोग लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा पाउडर एप्लीकेशन, जिसमें मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का लूज़ पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप भी किसी अच्छे ब्रांड के पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाए, क्योंकि बच्चे, आपको पता है, फेस पे बहुत ज़्यादा हाथ लगाते हैं मेकअप के बाद, तो इससे थोड़ा सा लंबे समय उनका मेकअप चल जाएगा, इसलिए लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से अच्छे से पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे फेस एंड नेक पर। जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें, एकदम अच्छे से करें, अच्छे प्रोडक्ट का यूज़ करें। मैक ब्रांड का मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का आई शेडो लेके अपने बच्चे के जो आईलिड है उस पर लगाएंगे, और बिल्कुल लाइट सा उसी को ब्लेंड कर देंगे। बिल्कुल भी मैं हैवी जो आई बेस है, आई मेकअप है, वो नहीं कर रही, बिल्कुल लाइट सा मैंने टोन दिया है। देखिए, बस मैंने ब्लेंड कर दिया पिंक कलर लेके। अगर आपके पास आई शेडो नहीं है, तो आप लिपस्टिक से भी ये भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने अब नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है आईलाइनर का है, क्योंकि मैंने अपनी गुड़िया को वेस्टर्न ड्रेस पहनाया है, तो मैं इसके ऊपर लाइनर की एप्लीकेशन करूँगी। अगर आप इंडियन ड्रेस पहनाते हैं, तो आप अपने बच्चे की आईज़ में काजल की एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन अभी वेस्टर्न है, तो मैं लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। लाइनर भी मेरा फॉरएवर 52 ब्रांड का ही है। जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैक्सिमम मेरे फॉरएवर 52 ब्रांड के हैं अभी बच्चे के लिए। आप भी किसी अच्छे ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ कीजिए, ताकि आपके बच्चे की स्किन सेफ़ रहे। नेक्स्ट स्टेप मेरा है मस्कारा, जो कि फॉरएवर 52 ब्रांड का है। मस्कारा की एप्लीकेशन कर रही हूँ। देखिए, मेरी गुड़िया बहुत यूज़ टू है मेकअप कराने, क्योंकि मैं लंबे समय से इसके ऊपर मेकअप कर रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो लिपस्टिक का है, जो कि इसको कोरियन स्टाइल की लिपस्टिक लगवानी है, क्योंकि ये BTS की फ़ैन है बहुत बड़ी, तो इसलिए इसने बोला कि मेरे को कोरियन लिपस्टिक लगवानी है, मेरे को हैवी नहीं लगानी। हालांकि लास्ट की पिक्स में आपको थोड़ा हैवी लुक भी दिखेगा लिपस्टिक का, बट अभी मैं एक बार के लिए इनको कोरियन लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रही हूँ, हल्की सी इनर साइड में लिपस्टिक लगा के। इसके बाद बाहर की साइड में लिप ग्लॉस का यूज़ करूँगी, इसको लगा के थोड़ा सा मर्ज कर देंगे। इस तरीके से जो कोरियन स्टाइल की लिपस्टिक होती है, आपको पता है, बिल्कुल लाइट सी दिखती है, और इनसाइड में ज़्यादा दिखती है, आउटर में बस उसकी शेडो होती है। तो इस तरीके से आप फिंगर से ब्लेंड कर दीजिए।
तो देखिए ये लुक कितना सुंदर लगता है बच्ची का। बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप कीजिए अपने बच्चों का ताकि वो देखने में बहुत ही क्यूट लगे, हैवी मेकअप नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप मैं थोड़ा सा हाइलाइटर का यूज़ और कर देती हूँ, क्योंकि जो जो मैं लगाऊंगी वो मेरी डॉटर ज़रूर लगाएगी, इसलिए आप भी जो लगाएं अपने बच्चे के ऊपर एप्लीकेशन करें, बट क्वांटिटी कम रखेंगे। देखिए BTS की फ़ैन है तो उन्हीं के पोज देती रहती है, तो इस तरीके से जो आज का मेकअप है ये भी उसका थोड़ा थोड़ा लुक वैसा ही दिया है ताकि इसकी जो इच्छा है वो पूरी हो। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा हाइलाइटर लगाया है और उसको मैं थोड़ा थोड़ा फिंगर से और ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। तो ये फुल लुक मेरा हो गया कंप्लीट। आपको किसी भी तरीके का मेकअप फिक्सर लगाने की नीड नहीं है बच्चों की स्किन पे, ऐसे ही इनका मेकअप टिका रहेगा, क्योंकि ये बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने मेकअप को लेके, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। इस तरीके से आप बिल्कुल लाइट सा मेकअप अपने किड्स के ऊपर, अपने डॉटर्स के ऊपर कर सकते हैं। देखिए अब कितना क्यूट सा हेयर स्टाइल मैंने बना दिया है और इनके नखरे अलग ही हैं बच्चों के, तो आप देखिए कितने अच्छे पोज देगी, अपनी पिक्चर्स देगी अच्छी अच्छी। इस तरीके से मेरा आज का जो किड्स मेकअप का वीडियो था वो कम्प्लीट हुआ। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दीजिए इस तरीके से। थैंक यू सो मच।